दोस्तों, क्या आप भी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान का रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर आप उसका रिपेयरिंग करते हैं, तो आपके लिए ये जो बोर्ड है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपने ये बोर्ड कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। जब भी हम किसी रिपेयरिंग के वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां पर ऐसे लैंप का यूज करके हमारे डिवाइस को चेक किया जाता है। आखिर वो कैसे काम करता है और क्यों इस बोर्ड का हेल्प लिया जाता है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक मैजिकल स्विच बोर्ड। अब मैजिकल स्विच बोर्ड इसलिए कह रहे हैं कि एक ही बोर्ड में हमारा दो काम होने वाला है। एक तो ये मेन सप्लाई के काम आएगा, दूसरा सीरीज लैंप के काम आएगा। सीरीज लैंप क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी फॉल्ट डिवाइस को या फिर मशीन को हम चेक करते हैं तो हम उसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। डायरेक्ट लगाने से हो सकता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, हमारे घर का लाइन बंद हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीरीज लैंप का यूज करते हैं, जिससे हम अपने डिवाइस को चेक करते हैं कि हमारा डिवाइस जो है वो सही है कि नहीं, वो इस सीरीज लैंप की हेल्प से हम बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये बोर्ड बनता कैसे है, कैसे यूज किया जाता है, आज की इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीडी इलेक्ट्रिकल अनबॉक्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ लौटा है, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ये सीरीज बोर्ड यानी कि मैजिकल बोर्ड हमारा कैसे तैयार होता है। एक ही बोर्ड में हमारा दो फंक्शन काम करेगा, एक तो मेन सप्लाई का, दूसरा सीरीज लैंप का। ये बहुत ही छोटा सा बोर्ड है दोस्तों, जो कि रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आज की वीडियो। एक ही बोर्ड में आपको दो फंक्शन मिलेगा, बहुत ही छोटा सा डिवाइस, पोर्टेबल है, आप इसे इजिली कैरी कर सकते हैं अपने साथ, कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये बोर्ड कैसे बनता है और कैसे काम करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आपको आज बताने वाले हैं कि ये बोर्ड कैसे बनता है। आज की जो सीरीज बोर्ड हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हमारे पास, हमने एक गैंग बॉक्स लिया हुआ है जो कि 3-way का है, जिसमें कि एक सॉकेट, एक 5-pin सॉकेट, एक 2-way स्विच और एक बल्ब होल्डर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस 3-way गैंग बॉक्स में हमने तीनों को फिट कर लिया है पहले से। साथ में हमें कुछ वायर के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने तीन वायर का पहले से कटिंग करके रखा हुआ है और एक जो हमें न्यूट्रल फेस आउटपुट के लिए हमें चाहिए। इन सारे सामान को यूज करके हम आज अपना जो सीरीज बोर्ड बनाने वाले हैं। दोस्तों, हमने पहले से ही ये सॉकेट, 2-way स्विच और एक होल्डर को हमने 3-way गैंग बॉक्स में फिट कर लिया है। हमने यहाँ पर सिंपल पीवीसी का बोर्ड लिया है, आप चाहें तो मॉड्यूलर पीवीसी का बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको ये तीनों सामान लगेगा। मैं इस सिंपल वाले बोर्ड में आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर हम बैक साइड पे देखते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर वायर का जो ये टुकड़ा है वो कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करते हैं चलिए देखते हैं। गैंग बॉक्स को हमने साइड से यहाँ पर होल कर लिया है, जो हमारा आउटपुट वायर यहीं से बाहर निकलेगा। तो हम ये आउटपुट वायर पहले यहाँ पर अंदर लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना जो आउटपुट वायर है ये अंदर कनेक्ट कर लिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वायर की लेंथ को लंबा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल और एक फेस रख लिया, यहाँ पर हमने टेप से मार्किंग किया है, ये जो रेड वाला है हमारा फेस है। अब इसे क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो तीन हमारे पास वायर है इसे अब हम कनेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको जल्दी से इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमने छोटे से वायर को यहां से इसमें कनेक्ट कर लिया। 2-way स्विच के सेंटर से लेके आपको इस सॉकेट के एक तरफ पे कनेक्ट करना है। अब क्या करेंगे, एक जो छोटा सा वायर यहां पर जो न्यूट्रल पॉइंट हमारा ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा, जो हमने इस बोर्ड से निकाला है। ये जो न्यूट्रल हमारा ये ब्लैक वाला है इसे हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे सॉकेट से। न्यूट्रल हमारा जो आउटपुट से आया है वो हमने यहाँ पर सॉकेट में कनेक्ट कर लिया है। अब बारी है जो हमारे फेस की। अभी जो फेस वाला वायर है डायरेक्ट हम ये होल्डर के, ये जो हमारा होल्डर है इसके बैक साइड पे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और साथ में इसे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा साथ में कनेक्ट करके हम इसके ऊपर साइड में कनेक्ट करेंगे।
अब दोस्तों एक छोटा सा और जो हमारा तीसरा टुकड़ा है, ये यहां पर से हम होल्डर के ऊपर वाले साइड में कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन हमारा पूरा रेडी है, एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं। हमने इस बोर्ड में दो आउटपुट का वायर लिए हैं, जिसे हमने पहले यहां पर से होल करके यहां पर अंदर ला लिया है। एक में हमने रेड कलर का टेप लगाया है, ये हमारा फेस है। दूसरा वायर हमारा न्यूट्रल है। हमने सॉकेट में न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लिया है यहां पर से सॉकेट के दूसरे साइड से, जो कि हमारे टू वे स्विच के सेंटर में आया है। उसके बाद हमने एक छोटा सा दूसरा टुकड़ा लिया है, जो कि इस स्विच के दूसरे साइड से नीचे वाले हमारा जो ऊपर स्विच का ये ऊपर वाला साइड होगा दोस्तों, यहां पर से हमने एक वायर कनेक्ट करके सीधा होल्डर के एक पॉइंट में कनेक्ट कर लिया है। यहां से हमारा जो है होल्डर कनेक्ट हो गया डायरेक्ट, ये हमारा सीरीज के काम आएगा। दूसरा हमने क्या किया है, जो हमारा आउटपुट से फेस का वायर है यहां पर जो रेड कलर का आप टेप लगा हुआ देख रहे हैं, ये हमने डायरेक्ट होल्डर से कनेक्ट किया है। साथ में एक वायर का टुकड़ा लेके हमने स्विच के नीचे हिस्से में कनेक्ट किया है, ये हमारा मेन सप्लाई के काम आएगा दोस्तों। ऊपर वाला जो ये हमारा पॉइंट है ये सीरीज के काम आएगा, और दूसरा ये वाला जो हिस्सा है ये मेन के काम आएगा। जैसा कि आपको ये फ्रंट में देख सकते हैं आप, हम जब ये स्विच को ऊपर के साइड में रखेंगे तो हमारा जो ये बोर्ड सीरीज के काम आएगा, दूसरा जब हम इसे नीचे ऑन करेंगे तो हमारा जो ये बोर्ड है ये मेन सप्लाई के काम आएगा। इस तरीके से हमारा जो स्विच बोर्ड है ये रेडी हो चुका है दोस्तों। जैसा कि इसका हमने कनेक्शन किया है, आपको इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। हमने इस पिक्चर में आपको बताया कि किस तरीके से ये जो कनेक्शन हमारा हुआ है ये आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। चलिए मैं इस बोर्ड को अब जल्दी से फिट करके आपको चेक करके दिखाता हूं कि हमारे बोर्ड जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमने अपने सेफ्टी के लिए, हमने अपने नॉलेज के लिए यहां पर हमने मार्किंग कर लिया है कि हमारा जो मेन सप्लाई है वो नीचे है, तो इसे हमने M डिनोट किया है। ऊपर की तरफ हमने S लिखा है, हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो ऊपर की तरफ हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा जो ये सीरीज बोर्ड की तरह काम करेगा। इस तरीके से हमने सेफ्टी के लिए इसे मार्किंग कर लिया दोस्तों। गलती से कभी हो सकता है कि ये शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए हमने इसे मार्किंग कर लिया है। सो आपको इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि गलती से अब हम मेन में रखें और हम सीरीज लाइन की तरह अगर दोनों वायर को अगर टच करेंगे तो हमारा जो बोर्ड है वो शॉर्ट हो सकता है, तो इसलिए ये मार्किंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले इसे मार्किंग कर लें, उसके बाद ही यूज़ करें। साथ में हमने जो आउटपुट वायर निकला है उसमें हमने एक टू पिन लगा के रखा है। अपने यूज़ के हिसाब से हमने वायर को लंबा रखा है, आप जितना लंबा चाहें आप इस वायर को लंबा कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो बोर्ड है ये बनकर रेडी है। अब इसे आपको जल्दी से चेक करके दिखाते हैं, टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। हमने अभी स्विच को सीरीज की तरफ रखा है, हमने एक लैंप लगा लिया है। छोटे से एक वायर की हेल्प से हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। जैसे हम दोनों वायर को आपस में टच करेंगे, देखिए हमारा जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, यानी कि अभी हमारा जो ये बोर्ड है ये सीरीज लैंप में सेट है। जैसे ही हम इसके स्विच को चेंज करेंगे दोस्तों, हम इसे नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा जो ये बोर्ड है ये मेन में चला जाएगा। अब चलिए इस मेन सप्लाई को भी हम चेक करके दिखाते हैं। हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटे से होल्डर की हेल्प से हम इस बल्ब को अब होल्डर में लगाते हैं, और जो हमने अभी इसे मेन सप्लाई में सेट किया है आपको चलिए इसे जलाकर दिखाते हैं। देखिए हमारा बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, अभी ये मेन सप्लाई में भी काम कर रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो दोस्तों ये जो बोर्ड है ये बन के रेडी है, और हमने इसे एक ही में दो फंक्शन आपको कैसे काम करता है ये दिखा दिया है। तो आप भी इसे बड़ी आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और रिपेयरिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो स्विच बोर्ड कैसे काम करता है हमने आपको बड़े आसानी से बताया है। बात करते हैं अब इसके यूजेस की। तो इस बोर्ड का यूज़ करते हुए हम
काफ़ी सारे जो फॉल्ट हमारे जो मशीन होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उसे हम बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम उसे मेन सप्लाई पे लगाते हैं तो हमारा जो सामान अगर वो गलती से शॉर्ट सर्किटेड है तो हमारे घर का फ्यूज़ उड़ सकता है। तो उस कारण हम क्या करते हैं, हम हमेशा सीरीज बोर्ड का यूज़ करते हैं ताकि हमारा अगर कोई सामान खराब भी हो तो वो हमारे घर के सप्लाई को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और इस सीरीज लैंप के हेल्प से हम पता चल जाता है कि वो सामान ठीक है या खराब है। चाहे तो हम इस सीरीज लैंप का यूज़ करते हुए हम जो वायर को टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई वायर हमारा ख़राब है तो हम उसे कंटिन्यूटी की तरह इस लैंप को यूज़ करके उस वायर का पता लगा सकते हैं कि हमारा वायर सही है कि नहीं। जैसा हम मल्टीमीटर से करते हैं उसी तरीके से हमारा ये जो सीरीज लैंप है ये भी काम आता है। लेकिन मल्टीमीटर और इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको दी हुई नॉलेज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो बोर्ड है ये कैसे बनता है, 2-in-1 एक ही बोर्ड में कैसे फंक्शन हमने प्रोवाइड किया है, कैसे इसका कनेक्शन किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बोर्ड का कनेक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमने एक ही बोर्ड में 2-in-1 फंक्शन आपको समझाया, किस तरीके से कनेक्शन करना है। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।